माज साहब हाँ अचूंदा उन ठीक है खैबर पख्तूनख्वा की हद ताई ही गड थिया पर वो ही सवाल तो कड़ो न सुठो थे त मुल्की लेवल जहाँ जो बया मामला थे उनमें भी पीटीआई इं हुकूमत से गड वेह बन पार्टियों से गड वेह अवान ना समझो जो ये गड़ी वेहन तो बया खोड़ जो मसला मुल्की लेवल जहाँ उ खत्म थी सकता हल थी सकता है जी क्योस वारी इंतशार वारी सूरत हाल है सियासी हवाले से उ भी खत्म थी सके थी इन जो को इम्कान वहां के नजर अचे तो नसी साई इन वक्त सूरत हाल है ना इमरान खान जो मुलाकातों भी बंद है जी वक्त उनके प्रोटेस्ट भी को कर जलसा भी को कर सूरत हाल ढी खराब है इन वक्त ही वो इशू को स्टेट लाए उन सभी के मुंह डे वेठा हिंसर इशू पीटीएम जो है अस पीटीआई के डिस्कस पा करूं पर इशू उन पीटीएम जो है आऊं समझा तो जितना का ब्रेक थ्रू मिले थी या को टारगेट मिलो है अली अमन गंडापुर के का ब्रेक थ्रू वठण जो का ब्रेक थ्रू इन मिले थी सके तो यो जो टेबल ट्रम्प थी वे पीटीआई के थी सके तो सीटू मिली वन हुकूमतों मिली वन छो तो जो पीटीएम जो जो चैलेंज है एक दफा मु थोड़ो इशारो दिनो अड़े किस्म की गाल कई तो केपी में जो सूरत हाल है उन्हें प्रोवाइडेड कंडीशन में ही पीटीआई के एतो जो हे जड़े किस्म जहाँ सूरत हाल है ये इनके जारी सारी को रखी सकता सो पीक पॉइंट नजर अचे पो मुख्य ये लगे पो तो सूरत हाल है वह क्रिटिकल थी वे हुकूमत फैसला भी कन तवेरे जिक्र भी किया असो होम मिनिस्टर है उन्हें तो बबा अस पीटीआई के बैन भी कंदी उनके जगह भी को करी तक खबर होंगी तो जे ऐलानात भी थे उनके सो कुछ मानन ते फायरिंग भी थी ये सब कुछ असी सो कुछ तीन चार महीने में तो मुख्य लगे तो यह क्रिटिकल सूरत हाल है इनके अवॉर्ड अवॉइड कर सो पीटीआई के इस्तेमाल कन पे पीटीआई जो तो जाहिर है जो सियासत है उनको नजरियो तो है को माना एक इस्टेब्लिशमेंट की बेबी है हाँ वो जी कावड़ियल नो है वो किरदार है वह अदा करे पी थी सके तो सुबह एक बे के जपू एक बे गड वेही वन ये सब शुमकिन पर मुझे ख्याल है तो ये इन वक्त जो सूरत हाल है वह पीटीआई वो इशू को पीटीएम वो इशू है जो स्टेट जो इशू सही इब्राहिम साहब माज साहब चवन था तो जैसे गंडापुर साहब या केपी गवर्नमेंट जो है इन कल सुबाने वाले जरगे के जो है रियासत मुखालिफ इस्तेमाल थियण का रोकण में कामयाब वन थी या उसे वफाक चाहे तो वह कराने में कामयाब थी वन फ्यूचर में उन्होंने दरवाजा भी खुली सकता उन्होंने रियायतू भी मिली मिली सन को इम्कान अवान के नजर अचे तो जी बिल्कुल उनके मुख्य इम्कान यो नजर अचे तो मुलाकातों वो खुली वेंद अली अमीन गंडापुर के जो तू कंटिन्यू कर तो सख्ती काई को कई वेंदी बाकी सूरत हाल जी जो ती होंगी ये निज़ाम जो सो है जदें एडा जैसे फैसलो कड़े से लेवल ते कोन दा जो के पीटीआई जी शर्तुन ते जो से लही अचन माजे साहब चे तो सीटों में मिली सकन थियो मखसूस हां सीटों तो मिली सीटों मिली सकन थियो माना ही गवर्नमेंट हली विंदी वो थी सिस्टम जो हले पो जैमें आईएमएफ कर्ज देने राजी थो जैमें सऊदी जैसे हुकूमत सीड़पकार मोकलिया जैमें ही वड़ा फैसला पा थन जो बिजली सस्ती करण जहाँ जैमें मुआशी इंडिकेटर्स जैसे उ बेहतर नजर पे अचन वो माना उनके वरी अस अरह में खड़ी वन तो यो खाम ख्याली है बाकी बिल्कुल ये सके तो रिलीफ मिली सके तो खान साहब जो मुलाकातों खुली सकन थी खान साहब जो भेणू जो आजाद भी सकन थी अली अमीन गंडापुर कंटिन्यू कर सके तो यो रिलीफ मिली सके तो बाकी बद में बद बो कड़ो रिलीफ सीटों वो मामलो हाँ है उन्हें पैर सुप्रीम कोर्ट के क्लियर थुर्जे वो इलेक्शन कमीशन जो मामलो वो जो फैसलो कहती वो जो कबूल करो पार्लियामेंट के या स्पीकर के बाकी इन में कोई तकरार आए को पीटीआई किथा सीटों दिना मतलब वो पेजू बधाए वरी कॉन्स्टिट्यूशन में वरी अमेंड करे वो दिंदा शूं तय थियल वो तय थी चुक्य तय थियल ये है तो भई हूँ जो प्राच असल में या जका इमरान खान जो मसलो यो है जो उनसा जका कमिटमेंट दन 12-15 साल की जका प्रोजेक्ट तौर कई वही हुई जैमें तमाम घणो इंस्टॉलेशंस थी समूरन इदारन में इंस्टॉलेशंस थी उनकी मर्जी का समूरा इदारा उनसा गड बीह रहा अदलिया हुए इलेक्शन कमीशन हो फलानो होस्टेब्लिशमेंट हो जे हाईकोर्ट्स हुए सब जो सब उत भर्ती ही उन प्रोजेक्ट तहत थी वो सजे सजो जैसे हाँ वो चेंज थो
तदेंको दिमाग कम न तो करे तद ही मानू मन बिगड़ो किथा बिगड़ो तदें आए जो तक वा ख्वाब दिखारे कुर्सी से बिहारे वही अढ़ाई साल का कुर्सी तायो वे तो समझा तो सीटू बिटू मिलने वाली या तो पॉसिबिलिटी ना है बाकी थोड़ा घणो जो सख्त हाँ हिंसर जो असूँ पाया सख्त शौरी तौर से क्यों व्यून छाण जो इन समझो पे तो जिस तीन हि नो जैस तीन इनके शटअप कॉल न मिली तेस तीन हि राह रास्त न इंदा तो हाँ अमीन अमीन गढ़ापुर जै कल जो से वफाक के या वफाकी नुमाइंद घटवत पे गाल बैठो है तो ये आस्ते आस्ते नंढी शूँ पिचाई के हवा कह बाकी हाँ उनको मुतालबात मुझे जेल में कभी वजीर आजम की कुर्सी से बिहार सवाल ही पे कर।